शनिवार को दिन में LIC के महिला विंग वीडिया महिला प्रकोष्ठ का 17वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में उत्तर मध्य क्षेत्र के महामंत्री साथी राजीव निगम ने कहा कि राष्ट्र आज दोहरी मानसिकता का शिकार हो रहा है। एक तरफ समाजवादी की चर्चा चलती है और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद हावी है। पूंजीपति का एकाधिकार होता जा रहा है, श्रम कानून बदलाव के दौर में है, वर्किंग क्लास खतरे में है, महिला सुरक्षा सुविधा में विशेष प्रगति नहीं है। आज सारे महिलाओं को एकजुट होकर संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अतः महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने उद्बोधन भाषण में साथी राजीव निगम जी बनारस के सभी महिला साथीगण को अपने सफल अधिवेशन के लिए बधाई दिए। मुख्य अतिथि साथी गीता शांत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए। उन्होंने कहा कि आज महिला पुरुष कोई भेद बचा नहीं है, सबको मिलकर सरकार के मेहनतकश विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अधिवेशन में बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और वाराणसी शहर के लगभग 110 महिलाएं सभा में उपस्थित थी। अधिवेशन के जरिए मुख्य तौर पर यह है कि जो 3.5% की भागीदारी LIC की सरकार ने बेची है, सरकार उससे वापस आए। और इसके अलावा अगर सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या LIC के प्राइवेटाइजेशन के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहेगी, कोशिश करेगी, तो उसके लिए हमें कैसे विरोध करना है, कैसे संघर्ष करना है, इसकी सारी रूपरेखा हम इस अधिवेशन के अंदर बनाएंगे और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ